बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी मर्ज के मुतालिक। अक्सर क्लिनिक्स के अंदर लोग हमसे आकर पूछ रहे होते हैं, क्या डॉक्टर साहब, अगर किसी घर के अंदर किसी फ़र्द को या ऑफिस के अंदर किसी कुलीग को, स्टाफ मेंबर को या फ्रेंड्स की सर्किल में किसी शख्स को ये हेपेटाइटिस बी या सी मर्ज लाहक हो, क्या उस मरीज के साथ, उस शख्स के साथ बैठकर खाना खाया जा सकता है कि नहीं। एंड दूसरा सवाल होता है कि ये बीमारी उस मरीज से जिसको ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी एंड सी लाहक है, हेपेटाइटिस बी या सी उस मरीज से दूसरे जो हेल्दी लोग हैं घर के अंदर, जो दूसरे अफराद हैं या स्टाफ मेंबर हैं, उनको लगने के चांसेस होते हैं या नहीं। अगर ये बीमारी मुंतकिल होने के चांसेस हैं तो उसका क्या मोड ऑफ स्प्रेड होता है। सो मेरा जवाब यही होता है कि अगर किसी घर के अंदर किसी फर्द को हेपेटाइटिस बी या सी का मर्ज लाहक है, तो बिल्कुल उसके साथ बैठकर एक डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना खाया जा सकता है। कभी भी हेपेटाइटिस बी या सी के मरीज़ को इस तरह की फीलिंग्स नहीं देनी चाहिए कि आप आइसोलेटेड हैं, या फिर उसको इस तरह की फीलिंग्स नहीं देनी चाहिए कि आप डिसलाइक्ड हैं या हम आपसे किनारा कुश हो चुके हैं जब तक आप ठीक नहीं होते। बिल्कुल ये अनफेयर है अगर कहीं हो रहा है। एंड सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट सवाल है कि ये बीमारी किस तरह लग सकती है दूसरे बंदे को जिसको ये बीमारी नहीं है, हेल्दी पर्सन है, बिल्कुल लग सकती है। और इंसान के अंदर से जितने फ्लूइड निकलते हैं या मौजूद हैं, मिसाल की तौर पे थूक हो गई, सलेवा, एंड दूसरे नंबर पे ब्लड, खून, थर्ड सीमेन, फोर्थ वजाइनल डिस्चार्ज, फिफ्थ पसीना, स्वीटिंग वगैरह, ये जितने भी फ्लूइड्स हैं इनके थ्रू दूसरे हेल्दी शख्स को, मरीज के इन फ्लूइड से दूसरे हेल्दी सेहतमंद शख्स को जिसको ये बीमारी नहीं है उसको लगने के चांसेस मौजूद होते हैं। किस तरह मौजूद होते हैं, मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, जिस तरह बताया कि वजाइनल डिस्चार्ज या सीमेन के थ्रू भी ये बीमारी लग सकती है, खास करके कपल्स के बिटवीन, अगर किसी एक फर्द को, हस्बैंड को या वाइफ को किसी को हेपेटाइटिस बी या सी है, तो बिल्कुल दूसरे अपने पार्टनर को बीमारी ये मुंतकिल कर सकता है। सो हमेशा रिगार्डिंग दिस हम एडवाइस कर रहे होते हैं कि जब भी फिजिकल रिलेशनशिप हो तो प्रिकॉशंस यूज़ किया करें। फैमिली प्लानिंग की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेफ हैं, प्रिकॉशंस इस्तेमाल किया करें, उससे हेपेटाइटिस बी सी से अपने पार्टनर को बचाया जा सकता है। एंड सेकंड, ब्लड, जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज किसी भी मरीज़ को करवाएं, रजिस्टर्ड लेबॉरेटरी से एंड रजिस्टर्ड हॉस्पिटल से ब्लड अपनी, जब भी डोनर आप लेकर जाते हैं, स्क्रीनिंग कराया करें। स्क्रीनिंग में हॉस्पिटल खुद ही कर रही होती है या लेबॉरेटरी, स्क्रीनिंग में काफ़ी सारी टेस्टें आ जाती हैं जिसमें मेजर टेस्ट हैं। डोनर जब आप जाते हैं लेकर तो उसकी मलेरिया की टेस्ट, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस बी सी एंड कुछ और भी टेस्टें, सारी टेस्टें करके फिर देन आपको जो ज़रूरत होती है ब्लड, वो स्क्रीन आउट करके देते हैं कि ये ब्लड क्लियर है, आप अपने मरीज़ को लगा सकते हैं। उससे ये होता है कि हेपेटाइटिस बी एंड सी के चांसेस नहीं रहते लगने के, क्योंकि आप प्यूरिफाइड, ट्रांसपेरेंट एंड स्क्रीन ब्लड आप लगा रहे हैं। सेकेंड, हॉस्पिटल्स के अंदर या क्लिनिक्स के अंदर हमेशा डिस्पोजेबल चीज़ें इस्तेमाल किया करें, मिसाल के तौर पे डिस्पोजेबल सिरिंज, डिस्पोजेबल कैथेटर,
डिस्पोजेबल फीडिंग ट्यूब, डिस्पोजेबल केनोला एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिस्पोजेबल इस्तेमाल होती हैं। कभी भी इस्तेमाल शुदा सिरिंज या बाकी चीज़ें इस्तेमाल नहीं कराया करें, नहीं किया करें, क्योंकि उससे एन मुमकिन होता है बट बी एंड सी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यू नेवर नो जिसको इस्तेमाल हुई है उसको हेपेटाइटिस बी सी थी क्या था, या फिर कोई एड्स वगैरह तो नहीं थी। सो हमेशा प्रिवेंशन किया करें। थर्ड, जो डेंटल सर्जन्स हैं उनके पास जब भी आप दांतों के लिए जाते हैं हमेशा कोशिश किया करें, इवन हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो रजिस्टर्ड बड़े हॉस्पिटल्स हैं या डेंटल क्लिनिक्स हैं वो अल्टीमेटली स्टरलाइज सामान इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट। बाज़ुकात कुछ गली कोचे के जो छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं उनसे खुद से आप कहकर स्टरलाइज चीज़ें इस्तेमाल कराया करें या डिस्पोजेबल चीज़ इस्तेमाल कराया करें, क्योंकि आपसे पहले जिसका प्रोसीजर हुआ है यू नेवर नो कि उसके पैटर बी सी हो। अगर स्टरलाइज नहीं होंगे ऑब्वियसली बीमारी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड फिर हजाम सैलून्स वगैरह के अंदर जब आप जाते हैं मुख्तलिफ मेडिकेयर पेडिकेयर इसके अलावा शेविंग एवरीथिंग जब हो रही होती है तो उसमें भी आप कोशिश करें कि स्टरलाइज चीज़ें इस्तेमाल कराया करें, न्यू चीज़ें इस्तेमाल किया करें, डिस्पोजेबल चीज़ें इस्तेमाल किया करें। एंड फिर आ जाता है सलेवा। सलेवा के अंदर भी आप अगर किसी मरीज को ये मर्ज लाहक है पैटर बी या सी आपको जानकारी है डिस्टेंस रखा करें, और अगर आपको जानकारी नहीं भी है तो भी डिस्टेंस ज़रूरी है, क्योंकि कोविड के बाद ये ज़रूरी हो गया है कि कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, जिसमें एक्सचेंज ऑफ ड्रॉपलेट जो थूक निकलती है बस कुछ लोगों के मुंह से, और वो ड्रॉपलेट जाके भी आपको इफेक्ट कर सकते हैं, चांस होता है लग सकती है। उसके साथ साथ स्वीटिंग पसीना वगैरह इस तरह की एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ों से अगर आप प्रिवेंशन करेंगे एन मुमकिन है बिल्कुल आप हेपेटाइटिस बी एंड सी से आप खुद को सिक्योर कर सकते हैं। फिर स्टरलाइज पानी पिया करें, और स्टरलाइज करने का तरीका मौजूद है इंटरनेट के ऊपर भी, गाइडलाइंस में मौजूद है, आप उसके अकॉर्डिंगली आप पानी को बॉयल किया करें, बॉयल्ड वाटर पिया करें, सेफ वाटर पिया करें। हाइजीन का ख्याल रखा करें, पर्सनल हाइजीन फूड हाइजीन का ख्याल रखा करें, क्यों कि हेपेटाइटिस बी एंड सी अगर ये इन्फेक्शन क्रॉनिक हो जाएगा, मीन्स कि ये इन्फेक्शन अगर लंबा खिंच जाएगा देन फिर चांसेस बढ़ जाते हैं जिगर लिवर साइरोसिस का। साइरोसिस हम कहते हैं जिगर का सुकड़ जाना, बिल्कुल यूँ सुकड़ना शुरू हो जाता है जो कि जानलेवा है, या बाज़ुकात कुछ रेयर केसेस में जिगर का कैंसर भी लाहक हो सकता है। दैट्स वाई हम तमाम लोगों को या मरीजों को भी खुद भी प्रिवेंशंस बता रहे होते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज का जो छोटा सा लेक्चर है रिगार्डिंग दी हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी पेशेंट आप तमाम व्यूअर्स को जानकारी हासिल हो चुकी होगी। इसके बावजूद भी कोई क्वेरी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर शहमीर अली मेमन यूट्यूब चैनल है मेरे नाम से ही, आप उस पर आप लिख सकते हैं और मैं विद इन 24 आवर्स रेस्पॉन्ड करता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात सुनी एंड थैंक यू सो मच, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह आप तमाम लोगों को हमेशा सेहतमंद रखे। इजाज़त लूँगा अपने मेज़बान डॉक्टर शहमीर अली मेमन को, इजाज़त दें, अल्लाह आपका हामी नासिर है। थैंक यू सो मच।